हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति का शानवी क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय अर्चना। आज मैं आपके साथ कच्चे आम और पुदीने की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले कच्चा आम ले लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से छील कर रफली चॉप्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ कच्चे आम को छील लिया है और रफली काट लिया है इसे। एक जार ले लेंगे और इसमें सबसे पहले कटे हुए आम ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरक का टुकड़ा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है, आधा चम्मच जीरा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच सौंफ। जीरा और सौंफ हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद चटनी पीस कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। लो जी, चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी पराठे, चावल, इडली, डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में इस चटनी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।